परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मरते मरते हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा काम कर दिया जिसका कर्ज किसी भी हिंदुस्तानी से उतारा नहीं जा सकता। गांधी जी की अमर देन है जिस पे है हमें नाज, पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था को मेरा कोटि कोटि नमन है। यह व्यवस्था अपने अस्तित्व से कहीं भटक न जाए, इसके लिए सतर्क रहना है। याद रहे, देश है तो हम हैं, समाज है तो हम हैं, वरना मेरा दावा है कोई इतिहास लिख नहीं पाएगा। मेरा दावा है कोई इतिहास लिख नहीं पाएगा, जमीन आसमान रह जाएंगे, इंसान दिख नहीं पाएगा। इस ऑडियो कैसेट में वर्णित गानों के माध्यम से मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, किसी को चिढ़ाना मेरा मकसद नहीं। मकसद है तो सिर्फ इस पंचायती राज व्यवस्था के अस्तित्व को बचाना। आइए सुने पंचायती राज व्यवस्था की वास्तविक स्थिति, परिस्थिति के ऊपर विनय बिहारी का लिखा हुआ ये गाना। का हो पकौड़ी लाल? जी गांधी बाबा, का आदेश बा? अरे बाबू, पंचायत चुनाव संपन्न हो गया बिहार का, जरा अपना दीप दृष्टि खोलो और बिहार में क्या हो रहा है बोलो। बिहार में सरकार बदल गई है, लालू की हवा निकल गई है। कुर्सी पर नए सीएम नीतीश कुमार हैं। सुधार का रास्ता दिख तो रहा है, लेकिन अभी भी वही बिहार है। आपके प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले गोपालगंज, कनेक्शन जोड़ते हैं राधे श्याम रसिया जी के संग। एक बार आओ धरती पे खुद को लो जाच हो,
ना कौनो बात केहू से डेराई सारा व्यवस्था समाज के सारा व्यवस्था समाज के उलट गइल बटे आज ऐसा हाल हो गई बाहरे बाह पंचायती राज घूमी घूमी तू देख घूमी घूमी तू देख मानी तोहर मिजा हमरा नहीं खा घुमाओ के गांधी बाबा के हाँ अरे बाहरे बाह पंचायती राज ए बाहरे बाह पंचायती राज शिकायत मत करो जा सुधार कर जा बाहरे बाह पंचायती राज ए बाहरे बाह पंचायती राज बाहरे बाह पंचायती राज बाहरे बाह पंचायती राज बेटी इंदिरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे सपनों की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को आखिर क्या हो गया है भारत के लोगों ने इस व्यवस्था को कमीशन राज व्यवस्था बना दिया है बापू मैं समझा नहीं बिटिया क्या बताऊं बापू पंचायती राज व्यवस्था का चेहरा विभत्स हो गया है क्या जनप्रतिनिधि क्या सरकारी ऑफिसर और क्या कर्मचारी सबको लग गई है कमीशन खाने की बीमारी कदम कदम पे कुर्सी कुर्सी पे पद और रुतबे के हिसाब से पीसी कमीशन फिक्स है यही सब तमाशा देखने के बाद मैंने 20-22 साल तक पंचायती चुनाव नहीं होने दिया जनता की भलाई का पैसा इन लोगों के मलाई खाने में चला जाता है 100 में से 80 लोग कमीशन रूपी बीमारी के मरीज हैं इन्हें ना तो डर लगता है और ना ही इन्हें तमीज है कमीशन को अपना हक समझते हैं जाने दीजिए सुधार संभव नहीं माथा खपाने से क्या फायदा नहीं बेटा ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ढूंढा नहीं जा सके हमारे भारत के लोग काफी समझदार हैं ठीक कहते हैं बापू समझदार नहीं होते तो हम और आप गोली खा के नहीं आते मेरा राजीव बम से नहीं उड़ा दिया जाता खैर छोड़िए जहाँ निजी स्वार्थ खून बन के नस नस में दौड़ता है वहाँ सुधार क्या होगा पंचायती राज व्यवस्था सुधारने के लिए सबको सुधरना होगा चाहे वह जनप्रतिनिधि हो चाहे सरकारी कर्मचारी चुनाव में होने वाले खर्च को भी कम करना पड़ेगा चुनावी व्यवस्था को नए सिरे से ठीक करनी पड़ेगी और ये सब काम आसान भी नहीं है पंचायत में मुखिया उपमुखिया सहित ग्राम सेवक लोगों को सुधरना पड़ेगा प्रखंड में BDO CO सहित प्रमुख और उप प्रमुख को भी सुधरना पड़ेगा जिला परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ DDC ओवरसियर इंजीनियर बड़ा बाबू और अन्य सभी कर्मचारी को भी सुधरना पड़ेगा जो असंभव सा सवाल है जब तक नियत सही नहीं होगी नीति क्या सही होगी ये देखिए आनंद मोहन छपरा से क्या बोल रहे हैं गली गली में गूंज रहल बा गली गली में गूंज रहल
बने में मुखिया जी के खर्चा भइल बा भारी हो। केहू बकैले खोसी मुर्गा पियले बके कौड़ी लाल जी। गांधी बाबा, दिव्य दृष्टि खोलो और माहौल बताओ, हार जीत के बाद हमारे बच्चे कैसे हैं? जी गांधी बाबा, जीतने वाले जश्न में खोए हैं और हारने वाले चद्दर तान के सोए हैं। ऐसा क्यों पकौड़ी लाल? अरे गांधी बाबा, मेहनत पे पानी जो फिर गया है, मुहर लगाने से पहले लकड़ी का रबर जो गिर गया है। ए बाबा, सारा माजरा आपको एक ही आदमी बता सकता है, राधे श्याम रसिया। लीजिए, कनेक्शन छोड़ता हूँ सारण से और जोड़ता हूँ चंपारण से।
अच्छा भैया, अभी अभी जौन पंचायत चुनाव बीतल हो, एहमे केहू हारल हो तो केहू जीतल हो। काहे कि लकड़िया कमाल कर गई, रबड़वा निकल गई। चुनाव आयोग पे सवाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। हाय लकड़िया कमाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। ई लकड़िया कमाल कर गई। चुनाव आयोग पे सवाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। हाय लकड़िया कमाल कर गई, गई हो जी लकड़िया कमाल कर गई, गई हो जी लकड़िया कमाल कर गई। देखी लोग तब वोट दे दिलस, बाकी सब वोट ब्लॉक में छटा गई। फिर गई केतनन के, फिर गई केतनन के मेहनत पे पानी। फिर गई केतनन के मेहनत पे पानी। हथवा से छूट गई कुर्सी महारानी। फिर गई केतनन के मेहनत पे पानी। हथवा से छूट गई कुर्सी महारानी। हथवा से छूट गई कुर्सी महारानी। हाल कितना के बेहाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। हाय लकड़िया कमाल कर गई, गई हो ई लकड़िया कमाल कर गई, गई हो ई लकड़िया कमाल कर गई। चुनाव आयोग पे सवाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। ई लकड़िया कमाल कर गई, गई हो ई लकड़िया कमाल कर गई, गई हो ई लकड़िया कमाल कर गई। ऐसन भइल ना रहे कबहू दादा, होट बर्बाद भइल मिले से ज्यादा। ऐसन भइल ना रहे कबहू दादा, होट बर्बाद भइल मिले से ज्यादा। होट बर्बाद भइल मिले से ज्यादा। जिंदगी दिए से हलाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। ई लकड़िया कमाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। ई लकड़िया कमाल कर गई। चुनाव आयोग पे सवाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। हाय लकड़िया कमाल कर गई, गई हो ई लकड़िया कमाल कर गई, गई हो ई लकड़िया कमाल कर गई।
भैया हम राधे श्याम रसी और सबसे का कहतनी सुनी जा आ तब बुनी जा। गड़बड़ कैले बा विभाग सरकारी, गड़बड़ कैले बा विभाग सरकारी। भैया इमें हमनियों के दोष बा, रबड़वा देख लेवे के चाहत रहे। गड़बड़ कैले बा विभाग सरकारी, मुहर बनावे के जदी हले ठिकदारी। गड़बड़ कैले बा विभाग सरकारी, मुहर बनावे के जदी हलस ठिकदारी। मुहर बनावे के जदी हलस ठिकदारी। धोती फाड़ के रुमाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। हाय लकड़िया कमाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। हाय लकड़िया कमाल कर गई। चुनाव आयोग पे सवाल कर गई, पटना दिल्ली ले बवाल कर गई। जीते वाला हार गई ले, हारे वाला जीत गई। हाय लकड़िया कमाल कर गई। गई हो ई 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 लकड़िया कमाल कर गई। अरे पकौड़ी लाल, जरा हमारे कुंवर बाबू की नगरी का समाचार तो बताओ। जी गांधी बाबा, ये लीजिए, लगा दिया कनेक्शन, देखिए नजारा। सुना, अब हम मुखिया हैं मुखिया, अब तू फाइल ढोबा फाइल, बुझला बुझला कि ना। अच्छा, मुखिया हैं रोब न दिखावा पिया, मुखिया हैं रोब न दिखावा पिया, मुखिया पिया।
का हो बबुआ, का हाल बा? तो अब का खाना रसगुल्ला छील के? अरे भैया, तू जोन बुझत रनु उ मजा नहीं खे। नीतीश कुमार के राज हवे, कहीं जे चेक इन हो गई रसगुल्ला के नु तो कुर्सियो जाई आ इज्जतो जाई। ए आनंद मोहन, ई तो बड़ा शरीफ बनता हो। अरे सराफत अली, ना ले आई माल तो काम कैसे चली? के तू रुपया आइल बाटे भाग से कमाए के समैया। अरे इंदिरा आवास बाट लेके तू रुपया आइल बाटे भाग से कमाए के समैया। हरी तुहार मुखिया भाई, इंदिरा आवास बाट लेके तू रुपया आइल बाट भाग से कमाए के समैया। निकाला तू अपन खर्चा कई हरी तुहार मुखिया भाई। खेत बाबिकाइल सेठ साहूकार जी से घेंट बधराइल, खेत बढ़ला से तोहर खेत बाबिकाइल, सेठ साहूकार जी से घेंट बधराइल। मिलल बाटे मोटा कल यही में कमैया, आइल बाटे भाग से कमाए के समैया। और मेहरी तुहार मुखिया भाई, मेहरी तुहार मुखिया भाई, मेहरी तुहार मुखिया भाई, मेहरी तुहार। के होई जे बहाली, होई जे बहाली, हो होई जे बहाली, ऊपर ऊपर खाल दहिया के छाली, दहिया के छाली, हो दहिया के छाली। आंगनबाड़ी महिला के होई जे बहाली, ऊपर ऊपर खाल दहिया के छाली। लिहा नहीं कम 20,000 से तू भैया, आइल बाटे भाग से कमाए के समैया। हरी तुहार मुखिया भाई, मेहरी तुहार मुखिया भाई। काट ले बस सगरो कमाई, सगरो कमाई, हो सगरो कमाई, कौनो ठीक नहीं के कुर्सी फेरू से भेटाई, फेर
पेंशन से काट ले बस अगर कमाई, दोनों ठीक नहीं के कुर्सी फेर से भेटाई। डर नहीं है सकी होई जगह सैया, आइल बाटे भाग से कमाए के समैया। तोहार मुखिया भैल, मेहरी तोहार मुखिया भैल, मेहरी तोहार मुखिया भैल, मेहरी तोहार मुखिया भैल। इंदिरा आवास बाटल के तू रुपैया, आइल बाट भाग से कमाए के समैया। इंदिरा आवास बाटल के तू रुपैया, आइल बाट भाग से कमाए के समैया। निकाला तू खर्चा कईल, खर्चा कईल, खर्चा कईल, और मेहरी तोहार मुखिया भईल, मेहरी तोहार मुखिया भईल। अरे पकौड़ी लाल, ये कौन बूढ़ा है जो लोगों को उल्टा पुल्टा समझा रहा है? अरे गांधी बाबा, ये है लिफिंटिस तिवारी। पहले ये पत्रकार हुआ करता था, अब रिटायर हो गया है, लेकिन अभी अखबार में कुछ छापने से बाल नहीं आता है। तब तो ये काफी समझदार होगा, काफी जानकार होगा। जरा इससे पूछो तो, इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा किस किस को हुआ है? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं या कहां से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं स्वर्ग लोक से, पकौड़ी लाल। गांधी बाबा आपसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? पहले गांधी बाबा को मेरा प्रणाम कहिए। देखिए, दारू ताड़ी बेचने वालों को, मीट मुर्गा बेचने वालों को, लाई प्याजी और पान बेचने वालों को, साथ में सबसे ज्यादा फायदा प्रेस वालों को, कैसेट बनाने वालों को, तथा प्रचार सामग्री टोपी बैच और झंडा बनाने वाले को हुआ है। समझे कि नहीं? हेलो हेलो, बाहरे मोबाइल, बाहरे एक्सचेंज के खेल, हो गई टावर के पावर फेल। है, है, है। का रे छौड़ा, क्या हुआ? उप मुखिया के पद मिलल हवे। बस यही पद ना गिल बड़े। अरे उप मने बुझे ले, उप के मतबल होला चुप। चुपचाप रह, केहू से ना कह, आ मनवा के दुखवा मने में सह। देखो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे उप प्रमुख हो, चाहे उप मुखिया हो के या चाहे उप सरपंच, उप के एक ही गो मतलब होता है चुप। बुझा कि नहीं? उपमन चुप होला, उपमन चुप होला, चुप रहना तो हल्ला हल्ला हो जाए। उपमन चुप होला, उपमन चुप होला, चुप रहना तो हल्ला हल्ला हो जाए। ओ खेदा घोटाला, बे घोटाला कुछ न कह। अरे ओ खेदा घोटाला, बे घोटाला कुछ न कह। हो खेदा घोटाला, बे घोटाला कुछ न कह। कहबू तो हल्ला गुल्ला हो जाए, हो कहबू तो हल्ला गुल्ला हो जाए। उपमन चुप होला, उपमन चुप होला, चुप रहना तो हल्ला गुल्ला हो जाए।
घोटाला पा घोटाला कुछ न कहा कह पाता हल्ला गुल्ला हो जाए हो कह पाता हल्ला गुल्ला हो जाए हो कह पाता हल्ला गुल्ला हो जाए धैले रहा कुर्सी तोहरा बोले के न हकबा उप बन गइलु ई तोहार पैड लकबा अरे रे धैले रहा कुर्सी तोहरा बोले के न हकबा उप बन गइलु ई तोहार पैड लकबा मनवा के दुखवा अब तू मने मने सहना तो हल्ला हो जाए मनवा के दुखवा अब तू मने मने सहना तो हल्ला हो जाए होखे द घोटाला प घोटाला कुछ न कह होखे द घोटाला पे घोटाला कुछ न कह कहबू तो हल्ला गुल्ला हो जाए हो कहबू तो हल्ला गुल्ला हो जाए अरे बुझलू कि नहीं अरे पकौड़ी लाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार आखिर कैसे आएगा आप चिंता मत करिए गांधी बाबा पत्थर को काट कर मूर्ति बनाने में समय तो लगता ही है हमारे देश के जवानों में जागृति आई है महिलाओं में जोश भर गया है चमत्कार अवश्य होगा हमारे सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे सभी पार्षद हमारे सभी मुखिया हमारे सभी सरपंच पंच और पंचायत समिति के सदस्यों के साथ साथ प्रमुख संपूर्ण ईमानदारी के साथ काम करेंगे ये देखिए गांधी बाबा अरे ये तो प्रोग्राम जैसा लग रहा है ये कोई वार्ड मेंबर है क्या जीता हुआ नहीं गांधी बाबा वो तो वार्ड मेंबर का भाई है और वो महिला उसकी भौजाई मतलब वार्ड मेंबर की पत्नी है टेंशन छोड़िए कार्यक्रम का आनंद उठाइए We'll be right back.
बोलना। गांधी बाबा,
देखे ना पंचायती राज व्यवस्था, हर कोई कमाने में लगा है। क्या विकास होगा जब पंचायत स्तर के चुनावों में पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, तो फंड का बंटवारा कैसे रुकेगा? क्या गांव, क्या शहर, क्या राज्य, क्या देश, हर जगह दुश्मनी, हर जगह देश। दलाल, ठेकेदार, बिचौलिए अपनी उंगलियों पर नचाते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। कुछ भ्रष्ट अफिसर इनके लिए माध्यम का काम करते हैं, समझे कि नहीं? ये देखिए, ऐसे लोगों से आनंद मोहन क्या कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक बात बताए रहा हूं। आन्हर के नगरी में आईना बेचन जाय रहा हूं। आन्हरन के नगरी में आईना बेचन जाय रहा हूं। अरे प्यार के रंग में खून के रंग को काहे मिलाए रहे हो? अरे प्यार के रंग में खून के रंग को काहे मिलाए रहे हो? देश की लुटिया डुबाए रहे हो। अरे हिंदू मुस्लिम शहर में दंगा काहे कराए रहे हो? अरे जात पात के दल दल में काहे देश धसाए रहे हो? अरे हिंदू मुस्लिम शहर में दंगा काहे कराए रहे हो? जात पात के दल दल में काहे देश धसाए रहे हो? तो अपना वोट के चक्कर में काहे, अरे तो अपना वोट के चक्कर में काहे सबको लड़ाए रहे हो? देश की लुटिया डुबाए रहे हो, देश की लुटिया डुबाए रहे हो, देश की लुटिया डुबाए रहे हो। अर जनता का पैसा काहे तू सीना तान के खाए रहे हो? अर दिल्ली बम्बई जाई के तू लईकी सन पे लुटाए रहे हो? अर जनता का पैसा काहे तू सीना तान के खाए रहे हो? अर दिल्ली बम्बई जाई के तू लईकी सन पे लुटाए रहे हो? और गाड़ के मंच चुनाव में ऊंचा मूर्ख बनाए रहे हो? देश की लुटिया डुबाए रहे हो, देश की लुटिया डुबाए रहे हो। हे भगवान, समाज का नव निर्माण हो, देश का कल्याण हो। ऐसा मत कहो बच्ची, देश का कल्याण कैसे होगा? एक पहले के नेता होते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, नए हमारे जमाने के नेताजनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी,
अरे बहुत लंबी लिस्ट है ईमानदार नेताओं की, अब तो समझे में नहीं आता है आजकल का हो गया है। मुट्ठी भर बेईमान लीडरों के चलते ईमानदार भी प्रतिष्ठा से हाथ धो रहे हैं, नेतागिरी करके रो रहे हैं। भगवान भ्रष्ट लोगों को बुद्धि दे, नहीं तो देशवे भाड़ में चला जाएगा, और जब देशवे नहीं रहेगा तो ये लोग कहाँ रहेंगे। अब छोड़ पत्रकारिता करके सबका चेहरा देख लिया हूँ, 10 गो में से 8 गो बेईमान है, इस पे गाना भी तैयार करवाया हूँ, सुनाऊंगा? हाँ सुनाइए बाबा। चलो सुनो।